नमस्कार, मैं शांति, आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद हैं न्यू अलीपुर में। मुझे आपको ये बात बताने में बहुत खुशी हो रही है कि सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट, जो बरसों से समाज सेवा के लिए कार्यरत है, आज ये संस्था न्यू अलीपुर में अपने विस्तार योजना के अंतर्गत एक प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया है, जहाँ आप देख सकते हैं विधिवत पंडित जी के हाथों यहाँ पर पूजन चल रहा है। और साथ ही यहाँ पर अलीपुर और न्यू अलीपुर के कई उद्योगपति भी शामिल हैं। और ये सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट समाज के लिए तो समर्पित है ही है। और साथ ही यहाँ जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे सेवा भारती के ट्रस्ट के नाम से मेडिसिन क्लिनिक अवेलेबल है 2 ठो। और यहाँ लोगों के लिए यहाँ ये लोग निःशुल्क में कैंप भी आयोजन करते हैं, जहाँ फ्री में लोगों को हेल्थ चिकित्सा दिया जाता है। और भी कई तरह के सामाजिक कार्यों से ये ट्रस्ट जुड़ी हुई है, मैं उस बारे में भी विस्तार जानकारी आपको दूंगी। और ये भूमि पूजन संपन्न होने के बाद यहाँ के कुछ ट्रस्टीगण और सदस्यों से भी बातचीत करके जानूंगी कि कैसा लग रहा है इनको। साथ है सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट के ट्रस्टी रमेश महेश्वरी जी, आइए इनसे बात कर जानते हैं कि सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सेवा भारती ट्रस्ट कौन से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। सभी को जय श्री राम। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है कि हम सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट के अंतर्गत हमारे भूमि पूजन का आज आयोजन किया गया, जिसको रामानंद जी रसोगी, जो हमारे सबसे पुराने ट्रस्टी हैं और जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत की थी करीब 33 साल पहले, सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट ने एक उद्देश्य लिया था कि हम अपने समाज के जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनको मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराएं। और आज हमारा जो सेवा भारती क्लिनिक है, करीब 750 लोगों को हर महीने सेवा दे रहा है, आँखों के ऊपर, दांतों के ऊपर, और सभी तरह के डॉक्टर्स जैसे फिजियोथेरापी, जनरल फिजिशियन, आईज, उसके बाद में गाइनो, MD डॉक्टर्स हमारे यहाँ बैठते हैं। होम्योपैथी की भी सुविधा हमारे यहाँ पर है और बहुत ही प्रैक्टिकली फ्री में हम डॉक्टर्स को, मरीजों को सुविधाएं दे रहे हैं। इस साल हमने करीब 1800 लोगों की आई स्क्रीनिंग की और उसमें करीब 450 लोगों का फेको पद्धति, जो कि एक नई पद्धति है और ईजी पद्धति है, उसके द्वारा उनकी आंखों का ऑपरेशन किया गया। और हमने अभी एक नया आयाम चालू किया है कि हर वीक में हम आई कैंप करेंगे, जिसमें 20 लोगों को हर फ्राइडे को चेक करेंगे और उनकी जो भी आँखों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, फ्री उनका ऑपरेशन होगा। हमारे कई हॉस्पिटल से अभी टाई अप हो चुका है और ये नया हॉस्पिटल जो बनने वाला है, ये कलकत्ते का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल क्लिनिक सेंटर होगा, जहाँ पर हम आई के सबसे आज के दिन में आधुनिक सुविधाएं यहाँ प्रदान करेंगे, दांतों की आधुनिक सुविधा प्रदान करेंगे और एकदम फ्री जो आई का ऑपरेशन होगा फ्री होगा। दांतों का जो हम आज जो भी कॉस्ट है उससे 50-30% के बीच में हम खर्च पर ये सेवा दे रहे हैं। अगले एक साल में ये हमारा पूरा भवन तैयार हो जाएगा, जिसमें ये सारी सुविधाएँ रहेगी। हमारे सभी तरह के डोनरों ने इसमें हमारी मदद की है और आगे आने वाले समय में हम इसको पूरे साउथ कलकत्ता में जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम यह सुविधा उपलब्ध करें। हमारे साथ है सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट के ट्रस्टी रमानंद रुस्तोगी जी। सर, ये जो आपका सपना था सेवा भारती ट्रस्ट, आज जो ये सेवा कार्य करते करते इतना बड़ा रूप लिया है, यहाँ पर बिल्डिंग बनेगा, क्या कहेंगे इस बारे में और कैसा लग रहा है आपको जो सपना पूरा होने जा रहा है? नहीं, हमें बहुत ही आनंद हो रहा है वर्ष का, ये आज पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर दांत का और आँख का और ENT और बाकी सब माने एलोपैथी, होम्योपैथी और सब डिपार्टमेंट करेंगे। एक विचार ऐसा भी है, देखें क्या होता है कि डायलिसिस सेंटर का भी बिठाने का विचार है, तो सब ईश्वर की कृपा अगर रहेगी तो ये काम हम लोग जल्दी कर लेंगे। ये बिल्डिंग अच्छी बनेगी और हमारी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो भी हम चालू रखेंगे, उसमें भी कोई भी एक डिपार्टमेंट या शिक्षा का कोई काम
उसमें करते रहेंगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि निवलीपुर और इसके आसपास के जितने भी एरिया बस्ती हैं, और माने मान लीजिए बूढ़ा शिवतला है, शीतला है और बेहला तक, हम लोग ये निःशुल्क चिकित्सा केंद्र चलाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। मैंने ऐसी माने एक धारणा है। हमारे पास काफ़ी अच्छी टीम भी है, जो टीम अपना माने सर्वस्व समर्पण प्रचर के और बहुत अच्छे से क्लिनिक चलाने का माने विचार है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं अनमोल बिस्किट के दिलीप चौधरी जी। यहाँ सेवा भारती की तरफ से हम एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर अपने सब तरह के लोगों को, आसपास के जो गरीब लोग हैं उनके इलाज मुफ्त में किया जाता है यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस बिल्डिंग में हम सब कुछ फैसिलिटी देंगे। हम आशा करते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम रहेगा, समाज को हम कुछ अच्छा दे सकें, इसके लिए हम आशा करते हैं। इसलिए हम भूमि पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद। करते हैं सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट के चेयरमैन इंद्रचंद गुप्ता जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज विधिवत यहाँ पर भूमि पूजन संपन्न हो रहा है और ये ट्रस्ट जो इतने वर्षों से इतने लोगों को सेवा देती आ रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सब कार्यकर्ता की मेहनत का फल है। हम लोग ठीक है जो भी कुछ है, लेकिन जो भी हमारे यहाँ विद्युत धाम रमेश महेश्वरी जी, ये लोग जो अपना फुल टाइम हर तरीके से धन धन सब तरीके से ये लोग लगे हुए हैं। सिंह जी हमारे हैं, हमारे रस्तोगी जी की देन है ये। ये जो भी संस्था आप देख रहे हैं, ये एकमात्र हमारे रामानंद जी रस्तोगी जी की देन है। उनका हर तरीके से, उनका ही हमारा सौभाग्य कि आज ये जो हो रहा है ये उनकी हमारी देन है। साथ हैं ट्रस्टी बसंत पारक जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज जो यहाँ पर विधिवत इतने अच्छे तरीके से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में सिर्फ यही कहना है कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। यहाँ से एक नींव जो डाली जा रही है, उस नींव पे एक ऐसा संस्थान बनेगा जो सेवा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो भी ट्रस्टी हों या मेंबर हों या जो भी सेवा भारती से जुड़े हुए हैं, उनकी रग रग में सेवा भावना है। ये बहुत अच्छी बात है। जिसको ईश्वर ने दिया है वो समाज के लिए कुछ कर सके, इसी भावना से यहाँ पर लोग जुड़े हैं और इस भवन के माध्यम से यहाँ अनेकों सेवाएं शुरू होंगी और आने वाले में हम समय में देखेंगे इससे जन कल्याण हो। आइए बात करते हैं सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर सुशील धानुका जी से। सर, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये भवन निर्माण के लिए तो आज यहाँ पर भूमि पूजन की शुरुआत मतलब हो ही गई है, तो अब आगे की क्या योजना है, मतलब और किस तरह से आप लोगों को सेवा देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सेवा का जो अनुष्ठान हो रहा है इसमें सब प्राणी यहाँ पर अगल बगल के जितने भी हैं छोटे बड़े सबको इसमें सेवाएं उपलब्ध होगी। और इसके लिए अनुदान की जो बात है वो जहाँ भी हम लोग जाके चेष्टा कर रहे हैं, सब हमारे एज ए वेलविशर सब कोई इसमें माने जुड़ने के लिए इच्छुक हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा न्यू अलीपुर में एक अच्छा और सेवा का केंद्र बन रहा है, जहाँ पर सब तरह के माने होम्योपैथी एलोपैथी बड़े बड़े डेंटल सबका इलाज होगा। बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठान बन के उभर के आएगा। इसमें एक साल करीब समय लगेगा ज़रूर, लेकिन ये बाद में एक यहाँ के लोकल वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का केंद्र बन जाएगा। यहाँ पर सेवा भारती का अपना भवन बनाने के भूमि पूजन के लिए इकट्ठे हुए हैं। सेवा भारती का भी एक संघ का अनुसांगिक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक है और एक राम जन्मभूमि आंदोलन के समय 1990-91 में एक संस्था का निर्माण हुआ और समय समय पर लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। अपना कोई कार्यालय नहीं था, कोई सेवा का कार्य भी नहीं होता था, तो इस क्षेत्र के पहले विधायक श्री पंकज बनर्जी ने हम लोगों को 1,00,000 रुपए का अनुदान किया, जिससे सेवा भारती की क्लिनिक का आरंभ हो गया। और 1999 से ही हम लोग फ्री आई ऑपरेशन करने लग गए, जो आज तक चालू है। 2006 में श्री अरूप विश्वास जी इस क्षेत्र के विधायक बने, उन्होंने अपने MLA फंड से 2,00,000 रुपया दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जगह ली
वहाँ पर नियमित रूप से क्लिनिक आज तक 2024 आज के दिन तक भी चल रही है। फिर उस जगह को भी हम लोगों ने बढ़ाया, अभी हेमोपैथी के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, पैथोलॉजी के डॉक्टर और जनरल फिजिशियन भी आके बैठते हैं और हम एक तरह से आज के डेट में जो फीस ले रहे हैं 20 रुपया, एक निःशुल्क है, निःशुल्क की तरह ये काम कर रहा है। ये यदि निःशुल्क, यदि ये फीस नहीं लगाएं तो लोग इसका नजायज़ फ़ायदा समझेंगे। और इसी कड़ी में लोग अनुदान हमारे साथ आते गए, विष्णुकांत जी शास्त्री जो गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, वो कहा करते थे लोग मिलते गए काफिला बनता गया, और राम जी की कृपा हुई और पिक्चर हिट हो गई। तो लोग, राम जी की कृपा हुई, अनुदानकारी मिले, हम लोगों ने इस भवन के निर्माण के लिए ये जगह खरीदी। आज प्रभु की कृपा से कन्या संक्रांति के वाले दिन अभिजीत मुहूर्त में अपने भूमि पूजन करवा रहे हैं लोग। एक पहला तो डायलिसिस यूनिट, दूसरा स्विंग मशीनों का बच्चों को पढ़ाएंगे, और कुछ एक पुस्तकालय का भी निर्माण करेंगे। आज ये पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई, इसकी पढ़ाई, उसकी पढ़ाई, उसकी पढ़ाई, तो वहाँ पर एक नियमित रूप से लाइब्रेरी बनाएगी उनके, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब जो पढ़ाइयाँ हैं तो उनके पढ़ाई के लिए एक सभागार बनाएंगे, उसमें ट्यूशन की भी व्यवस्था करवाएंगे, सिलाई का, इस ये पैसे वाला का क्षेत्र बोला गया है परंतु गरीबी साथ में है, तो उनको सिलाई कढ़ाई जो अपना, वो लोग अपना जीवन अपने आप गुजार सके, किसी की मोहताजी करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और एक्सरे का यूनिट खोलेंगे, डायलिसिस यूनिट खोलेंगे, जितना भी हम लोगों से बन पड़ेगा, जो कि जो लोग इससे जुड़े हैं वो उन्होंने सारा जीवन समाज सेवा समर्पण और संस्कार के लिए ही दिया है, तो ये काम आगे बढ़ता रहेगा, प्रभु की कृपा होनी चाहिए। अच्छे माहौल में हमने काम शुरू किया है और आगे इसको भगवान दिव्य रूप से देगा, और अभी ये काम बंद होने वाला नहीं है, ये अभी और बढ़ता जाएगा। यदि और जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा तो ये कार्यक्रम है कि पूरे कलकत्ता में 140 वार्ड हैं, लोग हमारे साथ, हम लोग नहीं रहेंगे परंतु हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हर वार्ड में ऐसा एक सेवा भारती का केंद्र खुले। हमारे साथ है सेक्रेटरी कैलाश अग्रवाल जी। दाज यहाँ पर भूमि पूजन संपन्न हो गया है और साथ ही आगे इस बिल्डिंग के बनने के बाद यहाँ के जो प्रकल्प है जो होने वाले हैं उस बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को। देखिए, प्रकल्प की बात तो ये है, जैसा नाम है वैसा काम है, सेवा भारती, माँ भारती की सेवा ही सेवा भारती का नाम है, एक नंबर तो ये हुआ। दूसरे प्रकल्प में ये है, सारे बढ़िया काम जो गरीबों की सेवा हो सके वो इस संस्था के द्वारा होगी और बहुत अच्छी होगी, सबसे सुपीरियर क्वालिटी की संस्था मैंने सेवा की जाएगी। मैं ऑडिटर रमेश कुमार लोढ़ा जी से, तो सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे सेवा भारती बनने से दिन दुगनी रात चौगनी बहुत उन्नति करेगा और इस एरिया के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं हम लोग सबको। इसके साथ हम लोग गौशाला में कलकत्ता पिंजरापोल से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो कलकत्ता पिंजरापोल की जो चाकुलिया शाखा है उसके प्रोडक्ट भी यहाँ पर हम लोग सेवा भारती में बिक्री करते हैं, तो यहाँ पर तो इनका गौशाला से भी इनके जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है इस सेवा भारती ट्रस्ट के ट्रस्टी गिरधारी लाल चूक जी। सर, सेवा भारती ट्रस्ट तो लोगों को सेवा के, समाज सेवा के लिए समर्पित है ही, और साथ में जो ये प्रकल्प ले रहे हैं, जो यहाँ पर डायलिसिस यूनिट, एक्सरे यूनिट खोली जाएंगी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सेवा भारती की प्रगति दिन प्रतिदिन होती जा रही है, तो इसमें कोई भी काम जो हम लोग चाहते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े डोनर हैं वो सब तैयार हैं, खाली हम लोग को प्लान करना है कि किस फ्लोर में क्या करेंगे। और इसकी प्रगति, सेवा भारती की प्रगति देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन होगा। धन्यवाद। पूजन आज यहाँ पर संपन्न हो गया है और ये सेवा भारती ट्रस्ट सेवा, समाज सेवा के लिए इतना समर्पित है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हम लेने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हम भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ ज़रूर से जुड़ना चाहेंगे और कुछ परमानेंट करना चाहेंगे, जिससे कि हम लोग जो भी ज़रूरतमंद हैं उनके काम आ सके और उनके साथ कुछ मिलकर, इनके साथ मिलकर सेवा कर सके। ये निःशुल्क ट्रीटमेंट उपलब्ध कराई जा रही है, तो इस बारे में
क्या विचार है? नहीं, ये निःशुल्क जो ये सेवा की जो इनकी भावना है, ये बहुत सुंदर भावना है। इससे हम लोग भी जुड़े हुए हैं और सेवा भारती के साथ में हम लोग भी मिलकर कार्य करना चाहेंगे। इसके बारे में हम लोग उनसे मिलकर बात करेंगे। मैं सेवा भारती ट्रस्ट के मेंबर मनोज मोदी जी से, तो सर इतनी सुंदर योजना आगे के लिए क्या कहेंगे इस बारे में? यह आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 25 वर्षों का हमारा सफ़र संपूर्ण हुआ। हम एक छोटी जगह से काम कर रहे थे, अभी आज एक बहुत बड़ा प्रकल्प हम लोगों ने लिया है। यह प्रकल्प आगे चल करके एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, जहां कई तरह की नई सुविधाएं हमारे न्यू अलीपुर के जो बासिंदा हैं उनके लिए हम उपलब्ध कराएंगे। और सेवा भारती का ये जो आज का दिन है, ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आगे जो कार्य किए हैं पास्ट में और अभी आगे जो होगा, और इस भूमि का, इस बिल्डिंग का जो आधारशिला रखा जा रहा है, आगे मैं यही कहूँगा कि शुभकामना सेवा भारती ट्रस्ट को और इससे जुड़े सभी लोगों को कि आगे भी हमारा प्रकल्प इसी तरह दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे और लोगों की जो सेवा का जो भाव है, ये इसी तरह हम लोगों के सेवा में काम में आ सके, यही मेरी शुभकामना है। ये सेवा भारती इसका नाम इसलिए पड़ा, ये हमारी संस्कृति से आया है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी का अनुकरण करते हुए ये सेवा भारती इसका नाम रखा गया। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसका स्वरूप इतना बड़ा हो जाएगा। और ये हम लोगों ने आई ऑपरेशन से स्टार्ट किया था और अब हम लोगों का ये टारगेट है कि यहाँ पे आई ऑपरेशन कंटिन्यू चले। और आई ऑपरेशन के संग हमने यहाँ पे दंत चिकित्सा का भी व्यवस्था किया है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, भविष्य में हमारे यहाँ पे जो है ऑर्थोपेडिक्स का भी होगा। और हम आशा करते हैं कि ये चैरिटेबल संस्था साउथ कलकत्ता में उभर कर सबसे अच्छा आएगा। इसी के संग धन्यवाद। सेवा भारती न्यू अलीपुर में आज करीब 30 साल से सेवा के काम में जुटी हुई है। यहाँ पर हम लोग का जो पुराना क्लिनिक है उसमें डेंटल और आई, इसके अलावा जनरल फिजिशियन और होम्योपैथी, उसके अलावा आयुर्वेदिक, उसके अलावा डाइटिशियन और भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साल में एक बार प्रायः जनवरी के महीने में हम लोग के यहाँ एक आई कैंप लगता है, उसमें प्रायः 800 गरीब लोगों का हम लोग के यहाँ निःशुल्क फेको ऑपरेशन किया जाता है, जिसको दरकार है उसका, और जिसको चश्मा चाहिए उसको फ्री में चश्मा वितरण किया जाता है। अब हम लोग उसी यूनिट को आगे बढ़ाने के लिए इस जगह के ऊपर आज भूमि पूजन कर रहे हैं। आशा करते हैं साल दो साल में जब भी बन के तैयार होगी, सेवा का और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। भारतीय ट्रस्ट के ट्रेजरर विद्युत कुमार सिंह जी से, सर पहले तो आपके सभी दर्शन को, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको सबको नमस्कार। ये सेवा भारती का आज ये भूमि पूजन हो रहा है। सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट के जो सेवा भारती क्लिनिक जो है वो करीबन 20 साल से इस न्यू अलीपुर एरिया में कार्यरत है और यहाँ पे समाज सेवा के अंतर्गत हम लोगों बहुत सारे यहाँ पे डेंटल, आई और ऑर्थोपेडिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं। होम्योपैथिक दवा फ्री में देते हैं, आयुर्वेदिक दवा भी कुछ दवा फ्री में देते हैं। और आज हमारा ये एक संकल्प यात्रा है, हम लोगों ने ये एक छोटी सी एक ज़मीन खरीद के एक अस्पताल के यहाँ पर निर्माण करने की एक संकल्प की थी 2022 फरवरी में। तो ये दिस डिसीजन वॉज टेकन ऑन द 5th of February 2022 और उस दिन से लेके हम लोगों ने ज़मीन खरीदा, बिल्डिंग बनाने का एक प्लान बनाया है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज अनंत चतुर्दशी भी है और उस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे एक भूमि पूजन हो रहा है। इसके बाद में भवन निर्माण होगा जिसमें हमारे जो पैट्रन ट्रस्टी हैं, चेयरमैन एमेरिटस श्री रामानंद रस्तोगी जी ने पूजा का पद्धति संभाला है, वही हमारे यहाँ यजमान है। और इस जो क्लिनिक का जो हॉस्पिटल जो बनेगा उसमें एक पूरा फ्लोर रहेगा आई हॉस्पिटल के इनके वास्ते, एक फ्लोर रहेगा डेंटल क्लिनिक के वास्ते जहाँ पर कि हम लोग डेंटल के सब काम करेंगे, आई का फेको ऑपरेशन फ्री में करेंगे और उसके ऊपर एक ENT का भी एक एरिया रहेगा क्योंकि कलकत्ता में ENT स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बहुत कम है। और उसके बाद में आयुर्वेदिक जन औषधि केंद्र, उसके बाद में आयुर्वेदिक औषधि केंद्र और होम्योपैथिक चिकित्सा, स्टेट ऑफ आर्ट मेडिसिन फ्रॉम जर्मनी होम्योपैथिक हम लोग देंगे, प्लस ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन सबका हम लोग बंदोबस्त करेंगे। ये मिला के हम ये आशा करते हैं कि इससे हमारी समाज सेवा का जो दृष्टि है, जो विजन है, वो और भी परिपूर्ण हो और पूरी हो।
थैंक यू वेरी मच। सदस्यों और ट्रस्टी गणों से बात करने के बाद हमें ये जानकारी मिल गई है कि सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट किस तरह से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है और साथ ही ये लोग दंत चिकित्सा फ्री आई ऑपरेशन की भी व्यवस्था रखते हैं। ये जो यहाँ पर ये लोग भवन निर्माण कराने जा रहे हैं कराएंगे, यहाँ पर भी डायलिसिस यूनिट, एक्सरे यूनिट, पुस्तकालय, ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। तो मेरी तरफ से सेवा भारती न्यू अलीपुर ट्रस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।